खबर रीवा जिले से है, जहां जवा तहसील में आशा कार्यकर्ताओं को आशा सुपरवाइजर के पद पर चयन होना था, जिसमें जवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला स्वास्थ्य अधिकारी की सहमति से अनुभवी स्नातक आशा कार्यकर्ताओं को पहली प्राथमिकता दी जाना चाहिए था। लेकिन जवा तहसील की आशा कार्यकर्ता रेखा मिश्रा अकौरी, रन्नू मिश्रा रौली, सुनीता तिवारी गाढ़ा 138 ने आरोप लगाते हुए बताया कि जवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा सुपरवाइजर के चयन में जमकर गड़बड़ी की गई। जहां 12वीं पास आशा कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पद पर चयनित किया गया है, वहीं सेक्टर में जोड़ तोड़ कर नया सेक्टर बनाकर नियुक्ति कर आरोप लगाया है। वहीं इस संबंध में जब संवाददाता ने बीएमओ जवा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहां से कुछ नहीं होता है, जिला से होता है। जबकि जिला के सीएमएचओ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आशा सुपरवाइजर का चयन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से होता है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी रीवा से जांच कर कार्यवाही की मांग की है। सुनीता तिवारी, समस्या सर मेरे को ये है कि हम फॉर्म डाले थे आशा पर्यवेक्षक के लिए, तो 2-3 बार ऐसे हमारा नाम यहाँ से लिस्ट में भेजा गया, हमारा नंबर भी ज़्यादा था उसमें, यहाँ से पैसा लेके दूसरे का कर दिया जाता है। और हमारा नंबर जो अवार्ड का 10 नंबर मिलता है, यहाँ से हमको 7-8 बार अवार्ड मिला जवा ब्लॉक से और ज़िले से भी मिला, उसका मान नहीं कर रहे हैं। यहाँ से हम फार्म डालते हैं, वहाँ हटा देते हैं, अब पैसा लेके दूसरे का कर देते हैं, हर बार यही समस्या है सर। इस संबंध में आप शिकायत किए हैं कहीं? अभी तो सर हम कहीं नहीं किए हैं। आपका नाम? रन्नू मिश्रा है। क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है सर कि मैं लिस्ट में मेरा वहाँ भरी थी फार्म में, मतलब सहयोगनी में, तो मेरा नाम आ गया था इसमें पटेरा सेक्टर में, लेकिन वहाँ के लोग पैसा दे के सभी तक कचेर का कर दिए हैं और मेरा नाम उससे हटा दिए हैं। जो कि मैं पुरानी हूँ सर, मैं 7 साल से काम कर रही हूँ, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि पैसे के बल से काम हो रहा है यहाँ। इस संबंध में आप शिकायत किए हैं कहीं? जी मैं करी हूँ शिकायत, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है। क्या समस्या है? समस्या यह है सर कि मेरी वाइफ 2010 से आशा कार्यकर्ता के पद पर ग्राम पंचायत कौरी में पदस्थ हैं। मैंने आवेदन किया जब शुरू में 2-3 साल पहले, अभी जो सहयोगनी की नियुक्ति हुई थी तो मेरा पत्नी का नहीं किया गया, जबकि वो स्नातक थी, मतलब बीए की हुई थी, और बारहवीं स्तर की जो है आशा कार्यकर्ता का चयन झलवा सेक्टर से किया गया, इसके बाद मेरा नहीं किया गया। अभी मेरे को जानकारी मिली कि पुनः जो है सेक्टर बदल करके जो है और उनको गुड़गांव ले जाया जा रहा है, और वो सेक्टर हमारा फुल जनकहाई, इसके पहले पहली बार सेक्टर बनाया गया था, वहाँ पे रीसा तिवारी का चयन किया गया था, वो पथलौदा ग्राम पंचायत की रहने वाली है, नीवा ग्राम की, उनको अब दोनों पदस्थ किया गया। यहाँ पर मतलब मनमानी सेक्टर बनाया जाता है, जिसका करना होता है उसका नाम दूसरे सेक्टर में कर दिया जाता है, और जिसका मतलब होने योग्य है उसको काट दिया जाता है, कहते हैं कि आपके यहाँ जगह नहीं खाली है। तो मेरा निवेदन ये है श्रीमान जी कि मैं मतलब सही जाँच हो इसकी, जो है कलेक्टर साहब इसमें संज्ञान ले, और सीएमएचओ साहब पूरे सेक्टर की किस कौन सी ग्राम पंचायत किस सेक्टर में आती है, और यदि ये नियम है तो फिर ब्लॉक स्तर में भर्ती होगी, कहीं की आशा किसी सेक्टर से हो सकती है, इसकी पूरी विधिवत जांच होनी चाहिए। मैंने RTI लगाया सूचना के अधिकार के तहत कि क्या ऐसा आदेश है आपको कि किसी आशा सहयोगनी को दूसरे सेक्टर में मतलब ट्रांसफ़र कर दिया जाए और वो सेक्टर खाली करके वहां पे नई आशा का चयन किया जाए। पूरे अधिकार मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी तथा अपर कलेक्टर के पास होते हैं। शासन की गाइडलाइन के अनुसार से जिला स्तर से चयन होता है, हमारे पास केवल नियुक्ति पत्र आता है कि इनको आशा सहयोगिनी के पद पर आप नियुक्त कराएं, इसके अलावा यहाँ से और कोई कार्य नहीं है।